सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट 3 फिल्म के अपडेट के बारे में। तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात सभी को पता है कि क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जितनी चलनी चाहिए थी उतनी चली नहीं, क्यों? उसके दो रीजन है, एक फिल्म के विलेन जॉनी डेप और दूसरा फिल्म का नेगेटिव रिव्यू जिसने पूरी तरीके से इस फिल्म की मार्केटिंग खा ली। क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म की फैन बेस है तो फैंस इस फिल्म को हर बार काफी अच्छा ही देखना चाहते हैं, लेकिन क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवॉल्ड हैरी पॉटर की सीरीज की सबसे बेकार फिल्म मानी जाती है क्योंकि ये फिल्म बहुत ही स्लो बनाई गई थी। एक हिसाब से आप इस फिल्म को देखते देखते बोर हो जाते हो, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बुराई थी। और के बाद जो मैंने बात बताई जॉनी डेप के कैरेक्टर को लेकर, उन्हें लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि जॉनी डेप को इस फिल्म में लेना नहीं चाहिए था क्योंकि जॉनी डेप पर मी टू के आरोप लगे थे, जो आरोप उन्हीं की एक्स वाइफ एम्बर हर्ट ने लगाए थे। लेकिन अब वो आरोप एक हिसाब से झूठे होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक की चांसेस ये भी है कि एक्वामैन फिल्म में जो रोल कर रही है एम्बर हर्ट मीरा का, वो रोल भी उनसे छीन लिया जाएगा। लेकिन उसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है, लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि झूठे आरोप में किसी भी इंसान को फंसाकर उसका करियर बर्बाद कर देना ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि सारे के सारे जॉनी डेप फैंस जाकर जॉनी डेप को सपोर्ट करो क्योंकि अभी उन्हें इसी की ज्यादा जरूरत है। खैर, तो अब इस टॉपिक को छोड़कर आते हैं फिल्म के थर्ड पार्ट की रिलीज डेट पर, जिसे खुद और किसी ने नहीं बल्कि जेके रॉलिंस ने ही अनाउंस किया है। वेल, उन्होंने इस फिल्म की रिलीज डेट बता दी है कि हमें इस फिल्म का थर्ड पार्ट 2021 में देखने मिलेगा, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 21 नवंबर की। जी हाँ, अभी के लिए यही रिलीज डेट निकल कर आई है इस फिल्म की। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर कब काम शुरू किया जाता है, क्योंकि एक हिसाब से मुझे लगता है अब इसके थर्ड पार्ट पर जो बजट लगाया जाएगा वो बजट थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर कम बजट लगाया जाएगा तभी जाकर स्टूडियो को फायदा होगा, वरना स्टूडियो लॉस सहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, खास करके इस फिल्म की सीरीज को लेकर। लेकिन अब फैंस को जानना है कि आगे हमें क्या देखने मिलने वाला है फैंटास्टिक बीस्ट के यूनिवर्स में, तब तक तो कोई हल निकल कर आने वाला है नहीं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर और जॉनी डेप की कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।